भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य द्वारा जयपुर के एक सरकारी स्कूल में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर विवाद खड़ा होने के दो दिन बाद राजस्थान में हिजाब विवाद और भी गहरा हो गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राज्य भर के सभी सरकारी स्कूल में सभी छात्रों के लिए ड्रेस कोड को सख्ती से लागू करने की योजना की घोषणा की है। इसके अलावा बता दूं कि दो दिन पहले छात्रों द्वारा भाजपा विधायक के खिलाफ प्रदर्शन करने की घटना की व्यापक जांच की जाएगी। दिलावर ने यह स्पष्ट किया कि न केवल ड्रेस कोड लागू किया जाएगा बल्कि किसी भी स्कूल में विद्या की देवी सरस्वती माँ की छवि या तस्वीर अगर नहीं होगी तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। आइए सुनते हैं राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हिजाब विवाद पर क्या कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया है और वो एसआईटी जांच करके यथोचित कार्रवाई होगी, उस पर हम अध्ययन करेंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे, हमारे जो सीनियर्स हैं पहले शिक्षा मंत्री रहे उनसे भी विचार विमर्श करेंगे और जो भी छात्रों के हित में होगा और देश के हित में होगा वो काम करेंगे। 100 दिवस की कार्य योजना भी शिक्षा विभाग के लिए बनकर तैयार हुई है, किस तरीके की प्राथमिकता रहेगी? अभी मुझे जानकारी नहीं क्या योजना तैयार होगी, उसको देखेंगे। सर सब्जेक्ट के अंदर भी बातें थी कि कौन कौन पढ़ाए जाए कौन नहीं पढ़ाए जाए, ये अक्सर विवाद का विषय रहा था। पिछली बार वीर सावरकर को लेकर भी कुछ बातें आई थी, क्या आप उसको लेकर भी कुछ? देश के सभी महापुरुषों का सम्मान हो ऐसा हमारा विचार। हिजाब मामले पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेधम ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। के मंदिर में ड्रेस कोड लागू हो, ऊट पटांग ड्रेस पहन के, मैं कह रहा था ना अभी, यदि थानेदार ड्रेस में नहीं आकर के तहमद या पाजामा पहन करके आएगा तो क्या वो ठीक लगेगा, क्या लोग मानेंगे उसको? हमने तो ये देखा है टेढ़ी टोपी पहनने के बाद थानेदारों को सस्पेंड कर दिया गया है। ड्रेस कोड इज ड्रेस कोड, ड्रेस कोड छात्रों के लिए लागू है, निर्देश जारी किए हुए हैं, उसकी पालना सुनिश्चित होनी चाहिए। हिजाब विवाद के बीच स्कूलों में ड्रेस कोड की मांग को विश्व हिंदू परिषद से समर्थन मिला जिसने छात्रों के बीच अनुशासन और समानता के महत्व पर जोर दिया। संगठन ने इस बात पर जोर दिया कि स्कूलों में वर्दी का उद्देश्य कपड़ों के आधार पर सामाजिक आर्थिक या धार्मिक भेदभाव को खत्म करना है। बता दूं कि विवाद की शुरुआत 29 जनवरी को हुई जब भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कथित तौर पर सरकारी स्कूलों में लड़कियों के हिजाब पर आपत्ति जताई। नहीं जी ऐसा नहीं है, कुछ राजनीति करने वाले लोगों ने माहौल बनाया है। बच्चियों से अच्छे खासे मिला हूँ, बात की हमने, मोदी जी की योजनाओं की बात की, सुकन्या योजना की बात की, स्टडी के बारे में बात की है। बच्चियों ने मुझे पत्र दिया है कि हमारे को यही आवश्यकता है, कुछ फर्नीचर की आवश्यकता है, कुछ बुक्स की आवश्यकता है, कुछ लैब की आवश्यकता है। मैं बच्चियों से मिला हूँ बहुत अच्छे से और उनसे बात की है मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ राजनीतिक लोग जिनको कोई मुद्दा नहीं है उन लोगों ने जानबूझ के, पता नहीं वो बच्चे वहाँ की है भी कि नहीं है, उनको लेके कुछ ऐसा माहौल बनाया। बाकी सच्चाई यह है, गणतंत्र दिवस हो, बसंत उत्सव हो, स्कूल के वार्षिक उत्सव हो, इस प्रकार के उत्सव जो होते हैं, या हमारा आज़ादी का उत्सव होता है 15 अगस्त का, इन सब उत्सवों पे भी वहाँ ड्रेस कोड लागू नहीं है। मुझे अच्छे से ध्यान है, हम स्कूल के 15 अगस्त से दो दिन पहले दूसरी ड्रेस में चले जाते थे, इसलिए कि उस दिन ड्रेस धुली हुई प्रेस की हुई तैयार पहन के आनी है हमें, 15 अगस्त का दिन है। तो अब क्या ऐसी बात हो गई कि वहाँ 12 महीने अध्ययन में बुर्का और हिजाब में ही बच्चे आवे हैं? ऐसा कौन सा रूल्स रेगुलेशन आ गया है, ऐसा कौन सा नियम आ गया है जिससे मैं अध्ययन चलेगा उस समय स्कूलों में नवाज का अगर टाइम हो गया, अजान का टाइम हो गया तो स्कूल की पढ़ाई बंद हो जाएगी, बच्चे चले जाएंगे या वहीं चालू हो जाएंगे, ये कौन सा माहौल बना रहे हो साहब आप? इसके लिए मदरसा है, वहाँ की अध्ययनशाला अलग है, वहाँ का ड्रेस कोड अलग है। हमारे जो बहुसंख्यक समाज के फिर बच्चे हैं उनके मन में भेद आता है कि भाई ऐसा क्यों, हम लोग तो पूरा ड्रेस में नियम कायदे से आ रहे हैं, जो नियम है स्कूल के वो पालन कर रहे हैं, और एक तरफ जो बच्चे हैं वो इस तरीके से दूसरी ड्रेस में आ रहे हैं। तो खाली मैंने प्रशासन को, वहाँ के अध्यापक अध्यापकों को निवेदन किया है कि इन बच्चों को आप प्रयास करें समझाने का कि स्कूल का जो नियम कायदा उसके हिसाब से वो आएँ, माँ सरस्वती का मंदिर है। लेकिन वो कह रहे हैं यहाँ मूर्ति भी नहीं लट्ठी जिसको हटवा दी, फोटो लगने नहीं देंगे, प्रार्थना होने नहीं देंगे, सरस्वती वंदना गाने नहीं देंगे। अरे ये सब अध्ययनशाला है, ये विद्यालय है, माँ सरस्वती का भवन है, यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए आते हैं, तो आप इस प्रकार का माहौल क्यों बनाना चाहते हो? आप क्या देना चाहते हो इन बच्चों को? बच्चों को तो प्रेम से भाईचारे से रहने दो, बच्चों में क्यों ऐसे डालते हो माहौल? बिल्कुल, मैं तो देखिए ऐसा है, नियम कानून की इसमें आवश्यकता नहीं, समझाने की भी आवश्यकता है।
स्कूल प्रशासन बच्चों को ही समझाए, उनके माता पिता युवाओं को समझाए। आप सोचें इसको राजनीतिक कदर से नहीं सोचें। दो प्रकार के ड्रेस कोड के बच्चे जब स्कूल बच्चियां हैं तो वहां सब अपने आप ही एक अलग माहौल बन जाता है। उन बच्चों को जिस तरीके से तैयार करके भेजा जाता है तो वो लगता नहीं है, वो छोटे छोटे बच्चे, उनको पढ़ने दो साहब, उनको इस प्रकार का क्या भी जीवन पड़ा है उनका, उनको अपना धर्म के अनुरूप ड्रेस कोड भी पहने, धर्म के अनुरूप रहे, रिश्तेदारी समाज अपने कार्यक्रम में किसी भी तरीके से कहाँ आपत्ति। स्कूल में तो कम से कम सारे समान रूप से हो, फिर स्कूल ड्रेस बनी क्यों है? फिर ऐसे ही पुलिस में कर दो, फिर ऐसे ही फौज में कर दो, फिर ऐसे आप पत्रकार बंधु हो जाओ, ऐसे ही हम सब, ऐसा नहीं, सबका अपना अपना है। मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, सबका अपना धर्म है, अपना कर्म है, अपने देवी देवता, अपनी आराधना, अपनी प्रार्थना है। लेकिन स्कूल जो माँ सरस्वती का भवन है, वहाँ का जो नियम है उसको पालन सबको करना चाहिए। इसके बाद कुछ मुस्लिम छात्र जयपुर के सुभाष चौक थाने पर जमा हो गए। वहीं एक छात्र ने विधायक से उनके भगवे कपड़े को लेकर सवाल किया जो वो विधानसभा जाते समय पहनते हैं।